उपमंडल सुजानपुर के लोगों को अब एक छत के नीचे तमाम विभागों की सुविधाएं मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा का सुजानपुर में मिनी सचिवालय बनाने का सपना सच होता नजर आ रहा है। मात्र 4-5 महीनों के बाद एक छत के नीचे तमाम विभागों की सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को मिलेंगी। एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलने से जहां लोगों को यहां वहां सरकारी कार्यालय ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। जिला स्तर की तर्ज पर बनने वाला मिनी सचिवालय उपमंडल स्तर पर बनाकर सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर क्षेत्र के लिए एक इतिहास रचा है। आपको बताते चले कि पूर्व में रही कांग्रेस सरकार और उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं वर्तमान में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जो पूर्व सरकार में आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने सुजानपुर उपमंडल के लोगों के लिए सुजानपुर शहर में मिनी सचिवालय बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सुजानपुर में रखवाया था और उसी समय निर्माण के लिए बजट का प्रावधान भी करवाया था। हालांकि जिस स्थान पर सचिवालय बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उस स्थान पर सचिवालय बनाने के लिए विधायक राजेंद्र राणा को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुराने भवनों को गिराने से लेकर भूमि स्थानांतरण करवाने तक के कार्य के लिए लगातार सरकार से संपर्क साधते हुए उसे अप्रूवल दिलाया गया। विधायक राजेंद्र राणा ने सचिवालय निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर सचिवालय निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उनके द्वारा देखा गया सपना अब अंतिम पड़ाव पर है। अत्याधुनिक तरीके से बनने वाला ये भवन लगभग तैयार हो चुका है। फ्लोरिंग एवं फर्निशिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चला है। भूकंपरोधी बनाए गए इस भवन जिसमें लिफ्ट का प्रावधान भी किया गया है, सचिवालय के कौन से फ्लोर पर कौन सा कार्यालय होगा उसकी भी सूची बना दी गई है। विधायक राजेंद्र राणा की माने तो सचिवालय निर्माण को लेकर एक लंबी लड़ाई क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ी गई है, तब जाकर ये सपना साकार हुआ है। सत्तासीन भाजपा सरकार निर्माण कार्य में देरी कर रही है, लेकिन सचिवालय जल्द ही क्षेत्र के लोगों की सेवा में हाजिर होगा। बजट का अभाव सरकार क्यों दिखा रही है, जबकि बजट पूर्व सरकार ने ही इसके लिए जारी कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनका ये सपना ही सुजानपुर शहर में सचिवालय बने लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। सुजानपुर के विकास में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और आने वाले समय में डबल स्तर पर विकास कार्य होंगे। सुजानपुर में मिनी सचिवालय, जब से मैं सियासत में आया हूँ मेरा एक सपना रहा है कि सुजानपुर में मिनी सचिवालय बने और सुजानपुर में SDM का कार्यालय खुले। और जब भी 2012 में जैसे ही मुझे विधायक बनाया गया, हमने दोनों सपने पूरे किए। जहाँ तक मिनी सचिवालय का प्रश्न है, जो कि आने वाले समय में कंप्लीट होने जा रहा है, इसको जो है पिछली सरकार में राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से इसको स्वीकृत करवाया। और इसमें कई तरह की अड़चनें थी। सबसे बड़ी अड़चन जो थी वो वहाँ पर जो बिल्डिंगें थी उनको डेमोलिश करने के सबसे बड़ी अड़चन थी, जिसे कैबिनेट में ले जाके जो है अप्रूवल ली गई। और ये तीन विभाग थे जहाँ इनकी बिल्डिंगें थी, उनको गिराने के जो इजाज़त है वो कैबिनेट से ली गई। और बड़ी अड़चनें पार करने के बाद मिनी सचिवालय का काम शुरू हुआ। और जैसे सरकार बदली तब तक ये जो इसका जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह खड़ा हो गया था। और उसके बाद जो है इसका 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 जो है कंप्लीशन की ओर ये बढ़ रहा है। मुझे खुशी है इस बात की ये कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। और जहाँ तक इस मिनी सचिवालय का प्रश्न है, इसके लिए बजटरी प्रोविज़न किया गया, बजट जो है इसमें डाला गया और आज ये सपना जो है पूरा होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ही इसको जो है पूरा किया। हालांकि सरकार ने इसको स्लो करने का, वर्तमान सरकार ने प्रयास किया, परंतु फिर भी ये स्लो करते हुए धीरे धीरे चलते ये कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले समय में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। एक छत के नीचे सभी कार्यालय जो है वो खुलेंगे